प्रदेश कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में जारी जन आक्रोश रैली के तहत आज हमीरपुर बाजार में भी रोष रैली निकाली गई। इस रोष रैली में हमीरपुर कांग्रेस के प्रभारी विधायक पवन काजल के अलावा जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक अनिता वर्मा, कुलदीप पठानिया, प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, दीपक शर्मा इत्यादि मौजूद रहे। कांग्रेस पदाधिकारी ने हमीरपुर बाजार में रैली निकालने के बाद डीसी देवश्वेता बनी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने देश में चल रहे किसान आंदोलन का भी समर्थन किया और किसानों की मांगों को मानने की भी मांग की। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रभारी व विधायक पवन काजल ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार से मांग कर रही है कि जनता को राहत देने के लिए महंगाई को कम करे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से मोदी के कार्यकाल से नौकरियों का आंकड़ा भी सिकुड़ चुका है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा कोरोना काल में भी प्रदेश की हालत खराब बनी रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा सरकार की कारगुजारी को जनता जल्द आईना दिखाएगी। इसके लीडर हैं और कार्यकर्ता सब एकजुट होकर आज कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो आज जो जहर है जो उगलना शुरू हुआ, इसका कारण है कि आज की बढ़ती हुई महंगाई, चाहे तेल की कीमत है, वो डीजल की कीमत है, वो खाने वाला सरसों का तेल हो, सिलेंडर आज 920 रुपए के 25 रुपए के तहत हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी चाहे ये देश में चाहे प्रदेश में, इनको एक ही है लोगों को कैसे लुभाना है। और बाकी कोई बात नहीं, कभी से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से बने हैं 2014 से आज के तहत जानकारी हमारे पास, जब यूपीओ की गवर्नमेंट थी तो एक साल में दो करोड़ नौकरियां मिलती थी। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला 2014 से, तो आज तक देख जो नौकरियों का आंकड़ा है वो लाखों में रह गया, 50,000 के लगभग भी, लाखों की तो बात हो। तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। यही कारण है हमारी प्रदेश सरकार, जो भाजपा सरकार है इन्होंने भी ग्राउंड लेवल पे तो कुछ नहीं किया, ग्राउंड लेवल पे तो जीरो है। आज इतनी कोरोना काल में हर कोई आपके सामने कितनी डेथ हुई, कितना नुकसान झेला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में एकजुट हो गई है और सड़कों पे आने शुरू हो गई है और जनता के साथ आने वाले समय में इनकी जो कारगुजारी है तो पूरी प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता दिखाएगी और इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी आने वाले। वहीं बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि आज के समय में केंद्र सरकार के शासन में पूरे देश का बुरा हाल है और महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राशन के दामों में भी बेहताशा बढ़ोतरी की गई है, जिससे लोगों के घरों का पूरा बजट ही बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध जताने पर भाजपा तरह तरह के आरोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा लोगों के लिए सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि सरकार की आंखें खुल सके। जिला स्तर पर जो है ये आक्रोश रैलियां निकाली जा रही है और इसका मुख्य मकसद जो है वो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और जो अराजकता जिस देश में फैल गई है उसको लेकर ये जो रैलियां निकाली जा रही है। आज पूरे देश के अंदर एक विचित्र सी परिस्थितियां पैदा हुई। आज हमारे जो नौजवान हैं वो बेरोजगारी का तांस घीच रहे हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। पिछले कोरोना काल से लेकर वर्तमान समय तक जिस प्रकार से हमारे युवा साथी बेरोजगार होकर घर में बैठ गए, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार उनके बारे में कुछ नहीं कर रही है। वो पिछले कल जो केंद्र की हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मंत्री हैं, माननीय सीतारमन जी, उन्होंने एक पैकेज की घोषणा की। वो पैकेज किसके लिए? वो पैकेज कोई अनुदान थोड़े, उसमें तो उन्होंने ऋण लेने की बात कही कि हम 1,00,000 करोड़ जो है ऋण देंगे। और क्या एक तो पहले ही जो हमारे लोग ऋण के बोझ में दबे हुए हैं, ऊपर से और उनको आप ऋण देंगे तो वो चुकाएंगे कहाँ से? इस समय तो सरकार को मरहम लगाने की ज़रूरत है। आज महंगाई 200 रुपये किलो तो सरसों का तेल होगा, 175 रुपये किलो रिफाइंड ऑयल होगा और दालों की कीमतें आप देख लीजिए, सस्ते राशन के जो डिपो में राशन मिलता था आज वो सारी की सारी दालें और खाद्यान्न पदार्थ जो है 35-35 रुपये किलो महंगे हो गए। तो ये सरकार क्या करना चाहती है और क्या निर्देश और दिशा देना चाहती है इस देश के प्रति? इस कांग्रेस पार्टी जो है मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती,
हमेशा से, और जब भी कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाती है इस गूंगी भरी सरकार के प्रति तो इसको देशद्रोही की संख्या दी जाती है। तो इस प्रकार से हम इनकी बातों से घबराने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक आंदोलनकारी पार्टी है। इस देश को अंग्रेजों से गुलाम जो जब हमारा देश था तो अंग्रेजों से भगाया इस कांग्रेस पार्टी ने अपने आंदोलन करके, तो ये तो क्या है। और इनको भगाने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है, और हम इसी प्रकार से आगे भी जो कार्यक्रम हमारे पार्टी के जो आज जिला स्तर पर हुए, ब्लॉक स्तर पर होंगे, पंचायत स्तर पर होंगे, हम इस सरकार को छोड़ेंगे।